रेत में हमारी टीम को एक डॉग दिखा जो टार कोल में लिपटा हुआ था। उसके गर्दन पर एक बहुत बड़ा घाव भी था और कीड़े उसे जिंदा खा रहे थे। क्लिनिक लाने पर जब हमने उसे एग्जामिन किया तो पाया कि उसके शरीर पर कई जगह टारकोल इतना बुरी तरह चिपका था कि उसे निकालने में उसकी चमड़ी निकल सकती थी। खैर उसका मैगेट वुंड तो ट्रीट हो रहा था, लेकिन उसके शरीर पर चिपके हुए टारकोल को निकालना बहुत ही मुश्किल और टेढ़ा काम था। हमारी टीम टारपीन के तेल से रोज के रोज उसके शरीर पर चिपके हुए टारकोल को निकालने में जुट गई। अब रोज थोड़ा थोड़ा टारकोल तो निकलता था, लेकिन दर्द के कारण वो थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी रहता था। अब देखिए, जब हमारे साथ कोई गुस्से या बदतमीजी से पेश आता है तो हम उसका गुस्सा तो सुनते हैं, लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनते और आगे से उसे दो चार और सुना देते हैं। पर उनके गुस्से पे ध्यान देने की बजाय अगर हम इस बात पर ध्यान देंगे कि आखिर उन्हें परेशान क्या कर रहा है, तो ना सिर्फ हम उनकी शिकायत रिजॉल्व कर पाएंगे, बल्कि घर जाकर वही सीन अपने दिमाग में रीप्ले करके अपना खून जलाने से भी बच जाएंगे। इसलिए ट्रीटमेंट के दौरान जब रोडी हम पे गुस्सा दिखाता था तो हमें उस पर गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि हम समझते थे कि उसका गुस्सा सिर्फ दर्द की वजह से था। धीरे धीरे उसका गुस्सा भी शांत होने लगा और हमारे लिए उसका ट्रीटमेंट करना भी आसान होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया जब ना सिर्फ रोडी का गुस्सा खत्म हो गया, बल्कि उसे दर्द से भी छुटकारा मिल गया।